रोहित वेमुला, एक होनहार युवा, विज्ञानवादी, पीएचडी स्कॉलर कार्ल सागान जैसा बनना चाहता था, समय से पहले छिन गया। रोहित ने 17 जनवरी 2016 को आत्महत्या कर ली, दलित होने के कारण। जातिवाद सामाजिक दंश के कारण, भेदभाव और अत्याचार के कारण फिर शुरू हुआ एक संघर्ष। राहुल गांधी का संकल्प रोहित को न्याय दिलाने का। रोहित के 27वीं वर्षगांठ पर उस्मानिया यूनिवर्सिटी में कैंडल मार्च और भूख हड़ताल। Congress Vice President Rahul Gandhi today sat on 12-hour hunger strike, joining the protesting students at Hyderabad University who are demonstrating against the suicide of Dalit scholar Rohit Vemula earlier this month. Jantar Mantar par vidyarthiyon ke andolan mein jaakar apna samarthan diya. Daliton ko, adivasiyon ko, alag alag logon ko dabaya jata hai. Maine unse kaha ki agar aap sachmuch mein isse ladna chahte ho to hame ek kanoon ki zarurat hai. एक ऐसा कानून जो कॉलेजेस में, यूनिवर्सिटीज में डिस्क्रिमिनेशन को बंद करे। 6 साल बीत गए मगर आज भी ये सवाल जीवित है। वायदों का जाल बिछाया मोदी जी ने और फिर सवाल उठने लगे। पहला सवाल रोहित वेमुला ने पूछा, मेरी क्या गलती है, मैं दलित हूँ इसलिए मुझे क्यों मारा जा रहा है, मुझे क्यों कुचला जा रहा है, मुझे क्यों दबाया जा रहा है, क्या मेरे लिए हिंदुस्तान में भविष्य नहीं होना चाहिए। ये जिम्मेदारी हमें मिली है उसे इंसाफ दिलाने की, यह कुरीति खत्म करने की, बिना फर्क के हर वर्ग के लिए एक समान भारत बनाने। 7 साल అవుతుంది రోహిత్ వేముల ఇష్యూ జరిగేంత వరకు మాకు జస్టిస్ రాలేదు, చేద్దాం అనుకుంటుంది భారత పౌరులని అలా చేస్తుంటే భారతదేశం ఎలాగెళ్ళు ముందుకి